परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर पीटी उषा, आज हमारे पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सारे एथलीट्स आपके साथ वार्ता करने के लिए आए हैं। सर से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। लगभग 98 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि उनकी विदेश में ट्रेनिंग चल रही है, देश के दूसरे केंद्रों में ट्रेनिंग चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग पेरिस के लिए रवाना होंगे। मैं अनुरोध करती हूं सर से कि कृपया सबको मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें। धन्यवाद सर। आप सबका स्वागत है और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है, वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूँ, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है एक दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है।